हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों लो जी, आ गया कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड में एक बम्पर बहाली, यानी मैं आपको बता दूँ 1050 पोस्टों के लिए बहाली आ चुकी है। 1050 पोस्टों के लिए ये बहाली आ चुकी है। दोस्तों सही सुना होगा आपने, 1050 पोस्ट के लिए बहाली आ चुकी है। तो देर न करते हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जो टू दी पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, मेन मेन पॉइंट पर। और विशेष आपको अगर देखना है सारे चीज़ डिटेल्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसको उस लिंक पर जाकर के आप टोटल PDF डाउनलोड करके और फिर वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना और शेयर करना दोस्तों, जैसा कि हम भी इसी से मोटिवेट होंगे और आपको इसी तरह की वीडियो अप टू डेट लेकर के आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। 1050 पोस्ट के लिए कॉल इंडिया लिमिटेड, टू दी पॉइंट हम बात करने वाले हैं इसमें। पहला नंबर, ये कौन सा पोस्ट है आपको मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट है। बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छी ग्रेड पे है। हम सारी चीज़ अभी डिस्कशन करेंगे आगे इस वीडियो में। अब डिसिप्लिन यानी पोस्ट की बात हम कर रहे हैं। पोस्ट की बात फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा, वो फर्स्ट है क्या है, मीनिंग। यानी मीनिंग के लिए आपको जो पोस्ट कोड 11 नंबर हो गया, टोटल वैकेंसी मीनिंग में कितना है, 699। उसी प्रकार से दो में आपको दिख रहा होगा सिविल के लिए, सिविल के लिए पोस्ट कोड 12 है और इसमें सीटों की संख्या 160 हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन आपको 3 नंबर में दिख रहा होगा, 3 नंबर में है। पोस्ट कोड इसका कितना है, 13 है और इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 124 है। उसी प्रकार से 4 नंबर में सिस्टम एंड EDP पोस्ट कोड, इसमें कहा जाए तो 14 नंबर है और टोटल पोस्टों की संख्या 67 है। यानी टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 1050। हम आगे दिखाएंगे आपको, आगे चलते हैं फिर। अगला पॉइंट है, आपको डेट बता दूँ। डेट क्या है, लास्ट डेट, ओपनिंग डेट क्या है। ओपनिंग डेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओपनिंग डेट आपका हो गया 23/6/2022 से आपको 10 बजे स्टार्ट होगी। 23/6/2022 को 10 बजे स्टार्ट होगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और आपको 22/7/2022, सॉरी 23/6/2022 को स्टार्ट होगा 10 बजे, और 23/7/2022 को 12 बजे रात में ये फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएगा। तो आगे चलते हैं टू दी पॉइंट दोस्तों। आगे का क्या है, आगे हम बात करने वाले हैं। पहला नंबर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा होगा 2 नंबर में क्या है। ये क्वालिफिकेशन जो है, ये क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, जो क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या है। तो 11 नंबर जो पोस्ट कोड था मीनिंग के लिए, उसमें BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग एंड रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ द मैक्सिमम 60% मार्क्स, यानी इस ब्रांच से आपको होना चाहिए। और वो सिविल के लिए भी सेम होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन का के लिए भी सेम होगा। सभी में आपको 60% मार्क्स होनी चाहिए इस ब्रांच में, आपको तभी इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 14 नंबर आपको आपने देखा होगा। सिस्टम एंड EDP क्या है, इसमें भी BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT या MCA विथ द मैक्सिमम 60%, इसमें भी आपको 60% मार्क्स चाहिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपको बता दूँ, ये तो आप क्वालिफिकेशन समझ गए होंगे। आगे लेके चलते हैं, टोटल सीट यानी क्राइटेरिया, मतलब सीट की संख्या देखेंगे इसमें क्या क्या है। डिसिप्लिन कोड के लिए 12 नंबर, सिविल के लिए आपको जो एग्लेबल के लिए सिविल इंजीनियर होना चाहिए, और 13 नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, 13 नंबर कोड के लिए भी अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो लंबा होगा इसीलिए हम शॉर्ट में बात करते हैं। आगे चलते हैं, आगे पोस्ट डिटेल
हम बात कर लेते हैं कितनी कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी में, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों आपको जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको नीचे करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मीनिंग के लिए आप देख रहे होंगे 699 पोस्ट है टोटल, और यूआर के लिए कितना है 295 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 है। उसी प्रकार से एससी के लिए आपको हो गया 98, और एसटी के लिए 55, और ओबीसी के लिए 181। ये आपका मीनिंग पोस्ट के लिए हो गया। और सिविल के लिए 2 नंबर में, सिविल के लिए 160 हमने बताया था टोटल, और जनरल के लिए 71 हो गया, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 16 हो गया। उसी प्रकार से एससी के लिए आपको 21, और एसटी के लिए 12, और ओबीसी के लिए 10 सॉरी 40। उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए 124 टोटल हो गया, जनरल के लिए आपको हो गया 52 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 12, और एससी के लिए 18, और एसटी के लिए 9, और ओबीसी के लिए 33 33। उसी प्रकार से 4 नंबर सिस्टम एन ईडीपी के लिए 67 पोस्ट टोटल हो गया, और जनरल के लिए 26, और ईडब्ल्यूएस के लिए 7, और एससी के लिए 11, और एसटी के लिए 5, और ओबीसी के लिए आपका 18। टोटल पोस्टों की बात करेंगे, टोटल पोस्ट हमने बताया था 1050, जिसमें जनरल के लिए आपको हो गया 444, और आपको ईडब्ल्यूएस के लिए 105, और हो गया आपका एससी के लिए 148, और उसी प्रकार से एसटी के लिए 81, और ओबीसी के लिए 272। ये तो पोस्टों की संख्या है दोस्तों, आप देख लेना आप किस कैटेगरी में हैं, कैसे हैं। आगे हम थोड़ा सा और इस पर देख लेते हैं, जो मेन मेन पॉइंट है उसका सिलेक्शन प्रोसेस। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सारा चीज़ जो है आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छा से रीड कर लेंगे। दोस्तों इसमें आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं, आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है। आवेदन शुल्क इसमें दोस्तों जनरल के लिए 1180 रुपया लगेगा, जनरल के लिए 1180 रुपया लगेगा, और उसी प्रकार से एससी एसटी के लिए जो भी होगा, एससी एसटी के लिए नील होगा शायद, एससी एसटी के लिए आपको जीएसटी लेकर के है 180 जीएसटी है, टोटल 1180 हो गया। उसी प्रकार से अपर, अब एज की बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं, एज एज द एज लिमिट, द एज लिमिट इज 30 ईयर, यानी 30 साल आपका होना चाहिए, यानी मैक्सिमम एज, और वो भी होना चाहिए कितना, 31 मई 2022 तक के लिए जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट जो है वो ही मैक्सिमम रह जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल होगा, एससी एसटी के लिए 5 साल होगा। ये आपका एज लिमिट था दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये इतना पोस्ट कोल इंडिया लिमिटेड में बहुत कम बहाली अभी तक आया है इतना पोस्टों की संख्या में। तो दोस्तों देर न करते हुए जल्द अप्लाई करें इस फॉर्म को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम भी मोटिवेट होंगे फिर आपको इसी प्रकार का अप टू डेट लेकर आपके सामने आएंगे। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक।